So students, we was doing coordination compound. Now we are starting explanation of bonding in coordination compounds. जो coordination compounds है इनकी formation कैसे होती है, कैसे बनते हैं. Time to time different different theories आई. जो coordination compound की properties को explain करना चाहती थी. ठीक है. बट ऐसे जैसे एवोल्यूशन नहीं हुई थी, जैसे हमने शुरू में कौन सा मॉडल, जैसे एटम के लिए पहले कौन सा मॉडल आया था, एटम के लिए पहले मॉडल आया था रदरफोर्ड का, उसके बाद बोहर का, उसके बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. ओके, वैसे ही एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉन्डिंग इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम टू टाइम मॉडल आए हैं. तो हमने जो मेन मेन मॉडल है उनकी डिस्कशन करनी है. सबसे पहले है आपके पास वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. वर्नर ने भी अपनी एक थ्योरी दी थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को लेके. ओके, पहले उसकी थ्योरी की बात सुन लेते हैं कि क्या कहता है वो. अल्फ्रेड वर्नर, अ स्विस केमिस्ट, वाज द फर्स्ट टू स्टडी द बॉन्डिंग इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन 1892. ही ऑब्टेन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन कोबाल्ट क्लोराइड COCl3 एंड अमोनिया by varying amount of mixing proportions of cobalt chloride and ammonia. उसने cobalt chloride और ammonia की जो, जैसे मान लो 1:1 में mix किया, 1:2 में mix किया, ये जो amount है mixing proportions को vary कर करके large number of compound बनाए इन दोनों की help से. Okay, product obtained vary in color and composition. वो color में vary इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आप proportion मिक्सिंग प्रोपोर्शन को डिफरेंट करते हो दोनों की, तो जो आपका कंपाउंड है उस वो भी अलग हो जाता है, जिसकी वजह से उसका कलर भी अलग आता है और उसकी कंपोजिशन भी अलग होती है ना. आफ्टर प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड ही एनालाइज्ड द रिजल्टिंग प्रोडक्ट बाय AgNO3 सॉल्यूशन एंड कंडक्टिविटीज ऑफ द प्रोडक्ट्स नोटेड. उसने क्या किया, उसके बाद जो भी आपका प्रोडक्ट आता था उसमें AgNO3 सॉल्यूशन डालता था और AgNO3 सॉल्यूशन डालने के बाद उसकी प्रेसिपिटेशन कैसी हो रही है वो चेक करता था. अब मैं बात करूंगा, पूरी एग्जांपल समझाऊंगा आपको, और साथ में उसने कंडक्टिविटीज भी नोट करी सभी प्रोडक्ट की, जितने भी प्रोडक्ट आए उनकी कंडक्टिविटी भी नोट करी. क्यों नोट करता था वो कंडक्टिविटी, एज कंडक्टिविटी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड पर मोल ऑफ द कॉम्प्लेक्स. क्योंकि कंडक्टिविटी डिपेंड करती है कि पर मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स जो है वो कितने आयंस प्रोड्यूस करता है. अगर ज्यादा आयन प्रोड्यूस कर रहा हो तो कंडक्टिविटी की वैल्यू हाई आती है, अगर कम आयन प्रोड्यूस कर रहा हो तो कंडक्टिविटी की वैल्यू लो आती है. ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट द फॉर्मुलेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस वाज डन एज शोन इन टेबल. उसने अपने रिजल्ट के बेसिस पे बताया कि कॉम्प्लेक्सेस जो बन रहे हैं प्रोपोर्शन वेरी करने से वो कौन सा कॉम्प्लेक्स बन रहा है. जैसे उसने सबसे पहले जो है कोबाल्ट, वेट, ये कोबाल्ट क्लोराइड डॉट 6HNS3 बन रहा है. उसने इसका कलर देखा येलो, ठीक. और जब उसने इसमें मोल ऑफ AgCl फॉर्म्ड फ्रॉम वन मोल ऑफ कंपाउंड, इसका एक मोल लेके उसमें जब AgCl, उसमें जब AgNO3 सॉल्यूशन डाला तो उसकी वजह से कितना AgCl के पार्टिसिपेट बन रहे हैं, प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं 3, ठीक. और इसकी जो कंडक्टिविटी आ रही है वो किस अकॉर्डिंग आ रही है, कि ये जो कंपाउंड है ये 1:3 वाला इलेक्ट्रोलाइट है. 1:3 वाला इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जब वो डिसोसिएट हो तब वो 3 एनायन बना रहा हो और 1 कटायन बना रहा हो, ठीक है. तो इसकी जो कंडक्टिविटी है वो 1:3 वाले इलेक्ट्रोलाइट की तरफ इशारा कर रही है. तो उसने यहां से इसलिए कंक्लूड किया कि इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या है, इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला ये है, क्योंकि यही वाला फॉर्मूला जो है इन दोनों बातों को सेटिस्फाई करवा पाएगा. क्यों, जब इस वाले कंपाउंड में आप AgNO3 डालोगे, ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि इसके एक मोल में 3 मोल ऑफ क्लोराइड आयन निकलेंगे, और अगर 3 मोल ऑफ क्लोराइड आयन होंगे तो वो 3 मोल ऑफ Ag पॉजिटिव आयन से रिएक्ट करके 3 मोल ऑफ AgCl बना रहे हैं, इसलिए 3 मोल बन रहे थे AgCl के बाय द 1 मोल ऑफ द कंपाउंड. क्योंकि एक मोल ऑफ कंपाउंड जो है वो 3 मोल ऑफ क्लोराइड आयन प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इसमें तीनों क्लोराइड जो है वो आयोनाइजेबल है. आयोनाइजेबल का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है, इसलिए क्लोराइड अपनी प्रेजेंस शो कर सकते हैं. ओके,
और जैसे कि बात मैंने पहले भी करी कि जो कंडक्टिविटी कॉरेस्पॉन्ड्स टू 1:3 इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ आयन कितने बन रहे हैं, चार, एक कटायन बन रहा है, तीन एनायन बन रहे हैं। ठीक, तो ये जो आपके पास इसने दो एक्सपेरिमेंट किए, जितने भी कंपाउंड उसने वेरी करके बनाए हैं बाय वेरिंग द कंपोजिशन ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड एंड अमोनिया विच ही इज मिक्सिंग, उससे डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बने हैं ये वाले। ठीक, तो उनकी उसने कंडक्टिविटी नोट की है और ये देखा है कि उसके एक मोल को लेने पे कितने AgCl के प्रेसिपिटेट बनेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसने उनका फॉर्मूला डराइव किया है। जैसे कोबाल्ट क्लोराइड और 5-अमोनिया का सोल्यूशन, 5-अमोनिया, ठीक है, 1:5 में अगर इनको मिक्स करें तो उसने देखा कि कलर आएगा रोज। AgCl के प्रेसिपिटेट कितने बन रहे हैं, 3 मोल। जब इसके सोल्यूशन में, इस वाले कंपाउंड के सोल्यूशन में AgNO3 डाला जा रहा है, AgNO3 आपने एक्सेस में डालना है ना, ओके, तो उसकी वजह से 3 मोल ऑफ AgCl बन रहे हैं। इट मींस आपके पास ये जो कंपाउंड है इसमें तीनों के तीनों जो क्लोराइड आयन है वो आयनाइजेबल है। ठीक, और इसकी भी कंडक्टिविटी जो है वो किस अकॉर्डिंग आ रही है, 1:3 इलेक्ट्रोलाइट के अकॉर्डिंग आ रही है। तो यहाँ से क्या बात बनी कि आपके पास ये रहा कॉम्प्लेक्स और ये उसके साथ तीन क्लोराइड आयन एज अ काउंटर आयन लगे हुए हैं, तो टोटल कितने आयन प्रोड्यूस कर रहा है, 4 कोबाल्ट क्लोराइड डॉट 5 NH3। इसमें उसने क्या, इसमें तो वाटर था ना साथ में थोड़ा बहुत, है ना, इसमें इसने क्या किया, इन दोनों को प्योर फॉर्म में मिक्स किया 1:5 में, तो इसमें पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ठीक, और इस कॉम्प्लेक्स, इस कंपाउंड के 1 मोल में, इस कंपाउंड का जब 1 मोल ले रहे हैं उसमें जब आप डाल रहे हो AgNO3 एक्सेस में, तो उसकी वजह से 2 मोल ऑफ प्रेसिपिटेट बन रहे हैं AgCl के। ठीक है, इट मींस इस कंपाउंड में ये जो तीन क्लोराइड है इन तीन में से 2 क्लोराइड ही आयोनाइजेबल है, थर्ड वन इज नॉट आयोनाइजेबल क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर चला जाता है और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर चली जाती है चीज वो अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करवा पाती ना। मैंने बताया था ना कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जितने भी आयन चले गए या मेटल चला गया वो अपनी प्रेजेंस शो नहीं करवाते क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, और इसमें 2 क्लोराइड आयन जो है वो एज अ काउंटर आयन पड़े हैं। और जब इसकी कंडक्टिविटी नोट करेगी तो ये 1:2 इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में कंडक्टिविटी शो कर रहा है, मतलब टोटल 3 आयन प्रोड्यूस कर रहा है, एक कटायन 2 अनायन। उससे उसने कंक्लूजन निकाली कि ये फॉर्मूला है कि ये जो मैंने बनाया है, ये जिसको वैसे सिंपली वो ऐसे लिख रहा है, उसके बाद इसने उसने इसका फॉर्मूला दिया ये कि ये ऐसा है CO NH3 5 Cl+2 और उसके साथ 2 क्लोराइड आयन एज अ काउंटर आयन लगे हुए हैं लाइक दिस। ओके, ऐसे ही उसने इन दोनों बाकी एक्सपेरिमेंट करवाए हैं वेरी करवा के। जैसे इसमें 1:4 में लिया है दोनों को, इसमें भी 1:4 में लिया है, इसमें 1:3 में लिया है। ओके, ये आप बोलोगे सर 1:4 में 2 बार क्यों लिया है, उसने 2 बार नोट किया, उसने देखा कि एक बार वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, एक बार ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो इट मीन्स कॉम्प्लेक्स दोनों एक जैसे ही है बट उनका कलर डिफरेंट क्यों हुआ, फॉर्मूला भी एक जैसा ही है क्योंकि ये दोनों आइसोमर हैं। ठीक है, इनमें से एक आइसोमर सिस है, दूसरे वाला ट्रांस है। ओके, सिस ट्रांस आइसोमर है ये दोनों। जब ये 1:4 जब कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया 1:4 की फॉर्म में 1:4 में मिक्स किए जा रहे हैं, उस टाइम आपके पास 2 आइसोमर बन रहे हैं, एक बन रहा है सिस, एक बन रहा है ट्रांस, एक वायलेट कलर का है और एक ग्रीन कलर का, तो इसलिए ये नंबर ऑफ आयंस तो सेम ही प्रोड्यूस करेंगे और कंडक्टिविटी भी सेम ही शो करेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं। ओके, आयंस में डिफरेंट नहीं है ये। ओके, और उसके बाद जब इसने 1:3 में मिक्स किया तो इसने नोट किया कि AgCl के आयन प्रोड्यूस ही नहीं हुए, इसने प्रेसिपिटेशन करवाई नहीं AgCl की, और ना ये था अभी नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक, मतलब ये कोई भी आयन नहीं प्रोड्यूस कर रहा था। इट मीन्स इसमें ये तीनों क्लोराइड और तीनों अमोनिया कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर चले गए हैं इसलिए वो अपनी प्रेजेंस शो नहीं करवा पा रहे और कोई आयन नहीं बन रहा, 0 आयन बन रहे हैं क्योंकि ये आयन थोड़ी ना, ये तो न्यूट्रल स्पीसीज। ओके, तो ऐसे वर्नर ने स्टडी की। ठीक, डिफरेंट डिफरेंट रेशो में उसने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया को मिक्स किया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बने हैं लाइक दिस। ओके, क्लियर। उसके बाद उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया था, वो प्लेटिनम के बेसिस पे था,
एक प्लेटिनम के कंपाउंड पे भी ये एक्सपेरिमेंट किया उसने, ठीक है। बट आपने सिर्फ इतना एक्सपेरिमेंट ये वाला समझ लग गया। अब जब ये वाले एक्सपेरिमेंट उसने करवा ले, तब उसने क्या कंक्लूजन निकाली उसकी बात करते हैं। बेस्ड ऑन द स्टडीज ऑफ वर्नर्स ही प्रपोज्ड अ थ्योरी, वर्नर्स एक्सपेरिमेंट, यहां पे एक्सपेरिमेंट आना है वर्ड, एक्सपेरिमेंट। ही प्रपोज्ड अ थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस इन 1893। उसने ये स्टडी करने के बाद, क्योंकि कोई भी थ्योरी प्रपोज करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी देने पड़ेंगे, और एविडेंस की फॉर्म में उसने फिर ये वाली बातें बोली हैं। ओके, तो उसके बाद उसने क्या पोस्टुलेट्स दिए उसकी बात कर लेते हैं। पोस्टुलेट नंबर वन, मेटल्स पोजेस टू टाइप ऑफ वैलेंसी। वो कहता है कि मेटल जो है उसमें दो तरह की वैलेंसीज होती हैं। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी जिसको आयोनाइजेबल वैलेंसी बोलते हैं, एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी जिसको नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी बोलते हैं। प्राइमरी वैलेंसी कौन सी होती है? विच अ मेटल एग्जिबिट इन द फॉर्मेशन ऑफ इट्स सिंपल सॉल्ट। ये वाली वैलेंसी मेटल अपना सिंपल सॉल्ट बनाते टाइम दिखाता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, इसमें सोडियम जो है वो मेटल है, वो अपनी कितनी वैलेंसी दिखा रहा है? प्लस वन। कैल्शियम क्लोराइड, इसमें कैल्शियम इज अ मेटल, तो इसने कितने क्लोराइड जोड़े अपने साथ? दो, तो इसलिए ये अपनी कितनी प्राइमरी वैलेंसी दिखा रहा है? टू। ओके, तो वो वाली वैलेंसी जो मेटल जो है फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सॉल्ट के टाइम दिखाता है, दैट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी वैलेंसी और आयोनाइजेबल वैलेंसी। ओके, और इसी को ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोला जाता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकंड इज द सेकेंडरी वैलेंसीज और नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। ये नया कंसेप्ट ऐड किया उसने। इट इज आल्सो टर्म्ड एज द कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको आप कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोल सकते हो, कि कोई मेटल जो है वो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है विद दी लिगेंड्स। दीज आर दोज वैलेंसीज विच अ मेटल एटम और आयन एक्सरसाइज टूवर्ड न्यूट्रल और नेगेटिव और पॉजिटिव लिगेंड्स ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते टाइम ही ये वाली वैलेंसीज जो है वो रोल में आती हैं। ओके, क्लियर। और जितने भी आपके पास लिगेंड्स जुड़ जाते हैं मेटल के साथ अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के, तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अकॉर्डिंग मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड होता है। ओके, एवरी मेटल एटम और आयन हैज टू सेटिस्फाई बोथ इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते टाइम उसको अपनी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई करवाना पड़ता है। जो प्राइमरी वैलेंसी है वो काउंटर आयन भी सेटिस्फाई करवा सकता है और लिगेंड्स भी सेटिस्फाई करवा सकते हैं प्राइमरी वैलेंसी को, बट सेकेंडरी वैलेंसीज को सिर्फ लिगेंड्स ही सेटिस्फाई करवा सकते हैं। ओके, सेकेंडरी वैलेंसीज आर डायरेक्शनल इन नेचर। मतलब सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाली वैलेंसीज। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है ना, तो वो तो डायरेक्शनल नेचर का ही होगा। और जो प्राइमरी वैलेंसी है जिनको आप आयनिक वैलेंसीज भी बोलते हो, आयनिक बॉन्ड इज नॉट अ डायरेक्शनल इन नेचर, सो दैट्स व्हाई प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉन डायरेक्शनल। ठीक, अब उसने इस कंपाउंड का और इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया। इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर उसने ये दिया, जो तीन क्लोराइड आयन है वो बाहर है और जो छह अमोनिया है वो अंदर जो है वो क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं छह कोबाल्ट के साथ, कोबाल्ट प्लस थ्री आयन के साथ। ओके, ये कोबाल्ट प्लस थ्री आयन है, गॉट इट। और जो तीन क्लोराइड है ना वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है। इनका रोल सिर्फ इतना है कि इसकी प्लस थ्री को सेटिस्फाई करवाने के लिए बाहर माइनस थ्री चार्ज है। ओके, इसके केस में क्या हुआ? इसके केस में तीन में से एक क्लोराइड अंदर आ गया, दो क्लोराइड बाहर है। तो ये जो अंदर वाला क्लोराइड है सीएल नेगेटिव, ये वाला, ये क्या कर रहा है? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बना ही रहा है, ये साथ में इसकी जो प्लस थ्री चार्ज को सेटिस्फाई करवाने के लिए तीन नेगेटिव चाहिए, दो तो बाहर है, एक ये खुद ही हो गया। मतलब ये प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करवा रहा है और सेकेंडरी वैलेंसीज को भी सेटिस्फाई करवा रहा है। ओके, ये सेट मेटल की सेकेंडरी और प्राइमरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई करवाने में हेल्प कर रहा है। और इसके केस में ये दोनों कोबाल्ट जो हैं ये प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं मेटल की। ओके, लिगेंड्स विच सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयनाइजेबल। ओके, जो लीगेंड की फॉर्म में चला गया, चाहे वो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई करवा रहा हो,
तो उस टाइम वो नॉन आयनाइजेबल हो जाता है, मतलब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ गया आयन, हालांकि वो आयन है तो इसलिए वो इसकी प्राइमरी वैलेंसीज को भी सेटिस्फाई करवा देगा, ठीक, बट वो फिर आयनाइजेबल नहीं रहता, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है तो अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर देगा, ओके ये बात बोली गई इसने। लिगेंड्स विच सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयनाइजेबल, मतलब बेसिकली कहना चाहता है कि लिगेंड्स ही नॉन आयनाइजेबल होते हैं, क्योंकि लिगेंड्स हम किनको बोलते हैं, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ जाते हैं, ओके क्लियर। तो ये था आपके पास वर्नर थ्योरी, बट द वर्नर थ्योरी हैज सम लिमिटेशंस आल्सो। व्हाट आर दोस लिमिटेशंस? नंबर वन, व्हाई ओनली सर्टेन एलिमेंट्स फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नॉट ऑल? लिथियम भी बनाना चाहिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सोडियम भी बनाना चाहिए, बट ये तो ज्यादातर बनाते नहीं है, सिर्फ आपका कुछ एक एलिमेंट्स ही हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। व्हाई सो? व्हाई कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैव अ डेफिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेशन स्फीयर की डेफिनेट ज्योमेट्री क्यों होती है? मतलब जब छह लीगेंड होते हैं किसी मेटल के अराउंड तो वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में क्यों सेटिस्फाई करवाता है? जब चार लीगेंड होते हैं किसी मेटल के अराउंड तो चार के केस में दो पॉसिबिलिटी है, या तो स्क्वेयर प्लेनर बन सकती है शेप इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर की, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो मेटल और लीगेंड आ रही है, या तो वो टेट्राहेड्रल बन सकती है, ओके क्लियर। बट क्यों डेफिनेट ज्योमेट्री ही क्यों? बाय सो व्हाई डू दीज कंपाउंड पोजेसेस डेफिनेट मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज? इनकी मैग्नेटिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज का रीजन क्या है? व्हाट इज रीजन? ओके क्लियर। तो ये सारी रीजनिंग जो है, ये सारी रीजनिंग कौन ने एक्सप्लेन कर पाया? ये वर्नर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ठीक है। तो इसकी जो लिमिटेशंस हैं उसको ओवरकम करने के लिए जो नेक्स्ट थ्योरी आई है जिसने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया था इन लिमिटेशंस को, वो कौन सी है? वो है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ओके। अब ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, इसके पॉस्टुलेट्स देख लेते हैं, इसमें पॉस्टुलेट्स क्या क्या बोले हैं। नंबर वन, इन दिस अप्रोच द बेसिक अजम्पशन मेड इज दैट मेटल लिगेंड बॉन्ड arises by the donation of pair of electron by ligand to the metal atom or ion. इसमें बोला गया कि metal ligand bond कैसे बनता है, जब ligand electron pair donate करता है to the metal atom or ion. In order to accommodate electron pair, metal has required requisite number of vacant hybridized orbital. ये जो लीगेंड, जितने भी लीगेंड मेटल के साथ जुड़ेंगे, ओके, बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको बनाने के लिए वो अपना एक लोन पेयर डोनेट करेंगे मेटल को, ठीक, मेटल के पास उतने एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस है, अगर मान लो लीगेंड है ये अपने लोन पेयर डोनेट करने जाता है तो मेटल को कोई ना कोई अपना एम्प्टी ऑर्बिटल आगे करना पड़ेगा ना, उसी में डोनेट कर पाएगा, ठीक है। तो यही बात बोली है इसने, इन ऑर्डर टू अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन पेयर metal has required requisite number of vacant hybridized orbital. अगर उसने चार ligand जोड़ने अपने साथ तो उसको चार empty orbital चाहिए और चारों के चारों hybridized चाहिए, एक जैसी energy वाले चाहिए, okay? जिसके case में जिसके लिए metal hybridization करवाएगा, और जब metal hybridization करवाएगा तो obvious है metal की जो hybridization होगी उसके corresponding shape आ जाएगी, हमने plus one में पढ़ा हुआ है ना, प्लस वन में हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा है। अगर मेटल जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन करवाएगा तो उस टाइम उसकी शेप टेट्राहेड्रल हो जाएगी, ओके। अगर वो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन करवाएगा तो उसकी शेप स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी। अगर वो sp3d शेप हाइब्रिडाइजेशन करवाएगा या dsp3 हाइब्रिडाइजेशन करवाएगा, उस टाइम उसकी जो शेप है वो ट्रायगोनल बायपिरामिडल हो जाएगी, ओके। और अगर वो sp3d2 या d2sp3 hybridization करवाएगा, उस टाइम उसकी जो शेप है उसके अराउंड जो ligands हैं छह, वो कैसे कैसी ज्योमेट्री बनाएंगे? वो octahedral ज्योमेट्री बनाएंगे, ओके। विद अप्रोच ऑफ द ligands, metal ligand bonds आर देन फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ दीज ऑर्बिटल्स विद दोज ऑफ द ligands. कॉन्सिक्वेंटली कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड which is directional in nature.
तो उसने बोल दिया कि डायरेक्शनल नेचर होने का रीजन क्या है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। कौन सा कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है लिगेंड और मेटल के बीच में, और आपको बताइए कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। ओके, सेंट्रल मेटल एटम और आयन हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल, dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर, sp3d है तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल, अगर sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल, अगर d2sp3 है तो भी ऑक्टाहेड्रल। ओके, फिफ्थ एंड लास्ट पोस्टुलेट, इफ आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, द कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक। इसने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, कि अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना बचे तो आपका कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है, बट अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया तो आपका कॉम्प्लेक्स विल बी दी पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स डिटरमिन्ड बाय द फॉर्मूला, कितना मैग्नेटिक होगा उसके लिए, उसको कैसे फाइंड करते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट की हेल्प से। और मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू बोहर मैग्नेटन। ये बोहर मैग्नेटन जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट का स्मॉल यूनिट है। ओके, और यहाँ पे एन क्या डेजिग्नेट कर रहा है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी करने वाले हैं ना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस लाइक क्रोमियम के साथ 6 अमोनिया जुड़े हैं और साथ में उसके ऊपर ओवरऑल +3 चार्ज है। इसमें सबसे पहले काम होता है कि मेटल की कौन सी ऑक्सीजन स्टेट है ये पता लगाना। इसमें क्रोमियम +3 फॉर्म में है, ठीक, तो क्रोमियम +3 फॉर्म में है तो उसमें कितने ऑर्बिटल खाली होंगे, कितने भरे होंगे, उसकी बात करनी है पहले। तो इसके लिए इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है क्रोमियम की? उसमें 3d5 होते हैं, 4s1। क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यही होते हैं ना, आर्गन 18, 3d5, 4s1, ये होती है। तो हमने सिर्फ वैलेंस लिखनी है, तो 3d5, 4s1 और 4p भी होगा बट वो खाली होगा, है ना, वो भरा नहीं होगा। ओके, उसके बाद ये क्रोमियम की फॉर्म में तो है नहीं, इसमें तो क्रोमियम +3 आयन है, तो क्रोमियम +3 आयन बनेगा तो वो कैसे बना होगा? 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ के, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 1 2 3, ये निकाल दिए। तो क्रोमियम +3 आयन में 3d3 फील्ड होते हैं और बाकी ये वाले ऑर्बिटल खाली होते हैं। इसने कितने अमोनिया आपस में जोड़ने हैं? इसने 6 अमोनिया अपने साथ जोड़ने हैं, और 6 के 6 अमोनिया 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे क्रोमियम के साथ, क्रोमियम +3 आयन के साथ जो सेंटर में है। तो क्रोमियम +3 आयन ने क्या किया? क्रोमियम +3 आयन ने अपने ये वाले 2d ऑर्बिटल, ये s और ये 3p, टोटल 6 ऑर्बिटल हो गए ना, इन 6 ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन करवा दी। तो उस हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोलेंगे? d2sp3, d के 2, s का 1, 3p के, d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन करवा दी। उसके बाद इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में जो बन गए हैं, इनमें आपके पास 6 अमोनिया आके अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं ऐसे, तो ऐसे आपका कॉम्प्लेक्स बना है। तो अब इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं? 3, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये वाला जो कंपाउंड है ये पैरामैग्नेटिक होगा। ओके, और इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी, उसका फॉर्मूला क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट नहीं निकाली, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट होगी वो भी निकाल देते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट विल बी अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू ना, तो एन की वैल्यू 3 पुट करो, 3 × 3 + 2, तो दिस कम्स आउट टू बी अंडर रूट 15 बोहर मैग्नेटन। इसकी मैग्नेटिक मोमेंट होगी अंडर रूट 15 बोहर मैग्नेटन, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। ओके, क्लियर। उसके बाद आपके पास आयरन के साथ 6 साइनाइड लीगेंड लगे हैं और ओवरऑल चार्ज -3 है इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर। तो सबसे पहले हमने यही देखना होता है कि मेटल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। इसमें आयरन जो है वो Fe+3 फॉर्म में प्रेजेंट है, तो Fe की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग उसके आउटर मोस्ट शेल कौन कौन से हैं? 3d और 4s। 3d में 6 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2, और जब ये Fe+3 बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएंगे, एक ये वाला निकलेगा। Fe+3 आयन की फॉर्म में उसकी कॉन्फिगरेशन सिर्फ ये रह जाएगी। अब इसको दिख रहा है कि मैंने 6 साइनाइड आयन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाने हैं, तो 6 साइनाइड आयन को अकोमोडेट करवाने के लिए इसको 6 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए। तो इसने क्या किया, अंदर वाले ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनकी यहाँ पे पेयरिंग करवा दी,
तो दो डी ऑर्बिटल ये खाली हो गए, एक ये तीन ये, ओके तो टोटल कितने ऑर्बिटल बन गए, सिक्स एम्प्टी ऑर्बिटल आ गए, और इसको सिक्स ही चाहिए छह साइन आयरन को अकोमोडेट करने के लिए, तो इसलिए इन इन छो की इसने हाइब्रिडाइजेशन करवा दी डी टू एस पी थ्री। उसके बाद छो में छह साइन आयरन जो है वो आके कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं ऐसे, दैट्स इट। और इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है, ठीक। तो इसकी ये भी पैरामैग्नेटिक नेचर का है, तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी, एक के अकॉर्डिंग कितनी बनेगी, अंडर रूट थ्री बोहर मैग्नेटॉन, अंडर रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.73 बोहर मैग्नेटॉन, दैट्स इट। उसके बाद एक और ये कॉम्प्लेक्स है, इसकी फॉर्मेशन आप खुद देखोगे, एक आधी एग्जाम्पल मैं और समझा देता हूँ, ठीक। अब ये वाला कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है, आयरन के साथ छह फ्लोराइड एज अ लिगेंड लगे हैं और इसमें आयरन प्लस थ्री फॉर्म में है, तो इसमें भी Fe प्लस थ्री आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनेगी 3d5 4s0 4p0 और 4db0, ठीक। अब Fe प्लस थ्री को क्या करना पड़ेगा, इसमें छह फ्लोराइड आयन अकोमोडेट करवाने हैं, क्योंकि छह फ्लोराइड आयन जुड़े हैं ना, तो छह के लिए कैसे अकोमोडेट करवाएगा, छह ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज करवाना पड़ेगा। इस बार ये पेयरिंग नहीं करवा पाया, यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुई है, ये एस सच ही रहे, पांच के पांच इलेक्ट्रॉन जो है वो एस सच ही रहे हैं, ठीक। बट इसको तो छह ऑर्बिटल चाहिए ना, इक्वल एनर्जी वाले छो के छो, छह फ्लोराइड को अकोमोडेट करने के लिए, तो उसने क्या किया, एक एस तीन पी और दो डी, अब की बार जो डी लिया इसने 4d वाले इलेक्ट्रॉन लिए, 4d वाले दो ऑर्बिटल लिए, नॉट इलेक्ट्रॉन, दो ऑर्बिटल लिए। इसमें उसने क्या किया था, इसके केस में उसने अंदर से ही पेयरिंग करवा दी थी, यहाँ पे ये पेयरिंग करवा के उसने दो ऑर्बिटल अंदर ही खाली करवा लिए थे 3d में। इस बार वो 3d में इलेक्ट्रॉन खाली नहीं करवाया उसने, इस बार जो 4d है उसके दो ऑर्बिटल लिए हैं इन दी हाइब्रिडाइजेशन, और कौन सी हाइब्रिडाइजेशन करवा दी, sp3d2, ठीक। और sp3d2 करवा के उसने छह फ्लोराइड आयन अपने साथ, छो के छो फ्लोराइड आयन के साथ ऐसे डेटी बॉन्ड बनाने के लिए ये छह एम्प्टी ऑर्बिटल दे दिए और ये कॉम्प्लेक्स बन गया। और इसमें कितने एम्पियर इलेक्ट्रॉन बचे हैं, पांच, ठीक है। तो इसमें एन की वैल्यू 5 पुट करो तो वो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट आ रही है 5.92 बोहर मैग्नेटॉन। बट यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस थ्योरी का, जैसे इसके केस में अंदर वाले डी में पेयरिंग करवा के दो ऑर्बिटल खाली नहीं किए हमने, इसके केस में हमने पेयरिंग करवा के दो ऑर्बिटल खाली कर लिए, मतलब हमें थोड़ी ना पता लगेगा कि कब पेयरिंग करवानी है अंदर, कब अंदर वाला डी खाली कर लेना है, जब उसने छह बॉन्ड बनाने हुए, अगर छह कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, तो उसके लिए अंदर वाले दो डी खाली करने हैं कि बाहर वाले डी के दो ऑर्बिटल लेने हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि अंदर वाले की पेयरिंग अब करवाएं कि ना करवाएं, वो वैसे डिपेंड करता होता है लीगेंड के ऊपर, क्योंकि अगर लीगेंड स्ट्रांग है, अगर स्ट्रांग लीगेंड है वो तो पेयरिंग करवा देता है अंदर, वो अंदर वाले डी की पेयरिंग करवा के अंदर वाले डी से दो ऑर्बिटल खाली करवा लेते हैं अपने लिए। अगर लीगेंड वीक है और फ्लोराइड आयन एक वीक लीगेंड है, ठीक है, उस टाइम वो अंदर वाले डी ऑर्बिटल्स में पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, उस टाइम उसको बाहर वाले डी से ही काम चलाना पड़ेगा, ओके। तो बाहर वाले डी से काम चलाने का मतलब क्या है, कि उस टाइम उसको बाहर वाले डी से ही डी के दो ऑर्बिटल ही लेने पड़ेंगे और उसमें कोऑर्डिनेशन करवानी पड़ेगी, ओके। इफ कंपाउंड हैविंग बोथ चॉइसेस sp3d2 और d2sp3, वेदर टू फॉर्म sp3d2 और d2sp3 बाय मेटल, इट इज फाउंड बाय मेजरिंग मैग्नेटिक मोमेंट एक्सपेरिमेंटली एंड देन मैच दैट विद मैग्नेटिक मोमेंट थ्रेटिकल वैल्यू ऑफ बोथ। यहाँ पे ये बात नहीं बनी, तुम लोगों को नहीं समझ आई आएगी ये, ठीक, ये थोड़ा लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रखा है। इसमें बस इतना आपने देखना है कि अंदर वाली पेयरिंग कब होगी कब नहीं होगी, वो डिपेंड करता है लीगेंड के ऊपर, लीगेंड स्ट्रांग है जैसे ये साइनाइड, तो उस टाइम अंदर वाले में पेयरिंग करवा दी जाएगी, क्योंकि लीगेंड स्ट्रांग है वो अंदर वाले डी से अपनी जगह बना लेगा। अगर लीगेंड वीक है तो वो अंदर वाले डी को खाली करवा के जगह नहीं बना पाता, तो उसको बाहर वाला डी यूज करना पड़ता है, उस टाइम हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, sp3d2, ओके। चाहे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो चाहे d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, शेप आपकी ऑक्टाहेड्रली बनेगी, ओके, क्लियर।
ये पैराग्राफ छोड़ दो, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है वीक है उसके ऊपर डिपेंडेंस है कि पेयरिंग होगी कि नहीं होगी। हालांकि ये कंसेप्ट इसने नहीं बोला था, ये कंसेप्ट इससे नेक्स्ट वाली थ्योरी ने बोला कि वीक लिगेंड किसको बोलना है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड किसको बोलना है, वो इससे नेक्स्ट वाली थ्योरी में है जिसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ओके उसके बाद एक और बात रहेगी, जिन ऑक्टेहेड्रल कंपाउंड्स में अंदर वाला डी यूज किया जाता है, मतलब जो जिनमें D2SP3 हाइब्रिडेशन होती है, उसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और जिसमें बाहर वाला डी यूज किया जाता है जिसके लिए SP3D2 हाइब्रिडेशन होती है, उसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये पॉइंट लिख लो, ठीक है, ये मैं अभी लिख देता हूँ यहाँ पे इसकी जगह। क्या पॉइंट है, अगर आपके पास D2SP3 हाइब्रिडेशन हो उसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और अगर SP3D2 है तो उसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर मैं अभी आपको पूछूं कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के केस में मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हाई आएगी कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के केस में, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के केस में तो पेयरिंग की वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू लो आती है, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में इनर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू हाई आती है। ठीक है, तो इनर के केस में मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू लो आएगी, तो इसलिए इसको बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, और जिन आउटर ऑर्बिटल जो होते हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ओके, लो स्पिन हाई स्पिन, ओके क्लियर। जैसे देखो इन दोनों, ये वाले कंपाउंड में और ये वाले कंपाउंड में, इन दोनों में मेटल एटम तो सेंटर में तो Fe+3 आया नहीं है, बट ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना है क्योंकि पेयरिंग हो गई है, और ये वीक लिगेंड की वजह से हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना है, तभी इसमें पेयरिंग नहीं हुई है, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट हाई आई है। ओके, उसके बाद कुछ एक एग्जाम्पल लिए हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, जैसे यहाँ पे निकल ने सिर्फ 4 क्लोराइड जोड़ने हैं तो हमें सिर्फ 4 ऑर्बिटल चाहिए, तो हमने देखा और क्लोराइड एक वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड है तो पेयरिंग भी नहीं करवा पाएगा, तो उसको 4 इमीडिएट कौन से मिलेंगे, 1s 3p, तो उसने sp3 हाइब्रिडेशन करवाई और 4 क्लोरीन को अपने साथ जोड़ लिया। ओके, बट निकल के साथ जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा साइनाइड, उस टाइम क्या हुआ, इन दोनों की पेयरिंग से एक ऑर्बिटल अंदर ही खाली हो सकता है, और जोड़ने से 4 साइनाइड है तो 4 के लिए 4 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए ना, तो 1 2 3 4, पहले 4 कौन से बने, 1d 1s 2p, उसको बोलते हैं dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, और जब dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम आपके पास जो शेप बनेगी इस कॉम्प्लेक्स की तो वो स्क्वायर प्लेनर होगी, और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है सेंट्रल मेटल के अराउंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, उस टाइम जो कॉम्प्लेक्स की शेप बनती है वो टेट्राहेड्रल बनती है। ओके क्लियर, तो इसमें इसमें स्पिन भी डिफरेंट है, इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो आ रही है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है, इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट, हालांकि इसमें भी निकल प्लस टू आया नहीं है सेंटर में, इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो √8 बोहर मैग्नेटॉन आ रही है, और आपका सब्सटेंस पैरा मैग्नेटिक आ रहा है। ठीक, तो आपने ये सारे कॉम्प्लेक्सेस, ये जितने भी हैं नोट्स में से देख लेने हैं तुम लोगों ने। अब उसके बाद है ड्रॉबैक, इसमें भी है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, क्या ड्रॉबैक्स हैं, पहला ड्रॉबैक है इट कैंट बी एक्सप्लेन्ड बाय सम कॉम्प्लेक्सेस ऑफ अ मेटल आयन इन अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट आर लो स्पिन या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड व्हाइल सम ऑफ द मेटल आयन आर द हाई स्पिन और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कई लो स्पिन बनाते हैं सेम मेटल आयन के लिए, जैसे Fe+3 आयन के लिए हमने देखा जो 6 साइनाइड है उन्होंने इसके साथ लो स्पिन बनाया, और जो 6 फ्लोराइड है उन्होंने इसके साथ हाई स्पिन बनाया। क्यों, मैंने बोला था ना स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड वाला कंसेप्ट इसने नहीं दिया है, वो उसकी अगली थ्योरी ने दिया हुआ, तो वो इसी का ड्रॉबैक था कि कब लो स्पिन बनेगा कब हाई स्पिन बनेगा ये कैसे पता लगेगा, वो ये नहीं बता पाया। डू नॉट एक्सप्लेन सेटिस्फेक्टरली द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं, कोई येलो कोई ब्लू कोई ग्रीन,
कॉम्प्लेक्सेस कलर्ड ही क्यों होते हैं, हालांकि व्हाइट भी होते हैं बट मोस्टली देखा गया है वो कलर्ड होते हैं मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। क्यों कलर क्यों होता है, उनमें कलर क्यों आता है, उसकी एक्सप्लेनेशन इसके पास नहीं है। ओके क्लियर, तो ये इसकी दो मेजर ड्रॉबैक्स थी। और कुछ है कि ये वाले मैंने सैंपल्स ऐड कर रखे हैं तुम लोगों को, ये प्रैक्टिस तुम लोगों ने खुद कर लेनी है नेक्स्ट टाइम से, नेक्स्ट टाइम तक। कई जगह एक्सेप्शंस भी होंगी तो उन एक्सेप्शंस को आप पढ़ के देखना, ओके उनको आप समझना, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट। ओके थर्ड ड्रॉबैक क्या है, इट डज नॉट एक्सप्लेन थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होती है कि अगर आप किसी कंपाउंड को हीट करोगे तो वो डिकम्पोज होगा कि नहीं होगा, उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। काइनेटिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है अगर किसी कंपाउंड को, जैसे मान लो ये आपका कॉम्प्लेक्स है कोई, इसको किसी दूसरे लिगेंड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो रिएक्ट होगा कि नहीं, उसको बोल अगर नहीं होगा तो उसको बोलेंगे कि ये काइनेटिकली स्टेबल है। दो तरह की स्टेबिलिटी कौन कौन सी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कि हीट करने पे डिकम्पोज होगा कि नहीं, काइनेटिक स्टेबिलिटी रिएक्ट करेगा कि नहीं। इन दोनों तरह की स्टेबिलिटी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती थ्योरी कि कब आपका कंपाउंड जो है वो काइनेटिकली स्टेबल होगा कब नहीं होगा, ये आपकी ये वाली थ्योरी एक्सप्लेन एक्सप्लेन नहीं कर पाती। इन सम केसेस द एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट डू नॉट एग्जैक्टली कोइंसाइड विद द वैल्यूज कैलकुलेटेड बाय द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कई बार ऐसा होता था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकाली जाती थी वो एग्जैक्ट वैल्यू से मैच नहीं करती थी, मतलब पक्का ड्रॉबैक ही है ना थ्योरी में, थ्योरी ऐसी जो पूरी तरह से फिट बैठे और सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर दे, बट ये जो ड्रॉबैक्स हैं उनको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी। इसलिए फिर इससे नेक्स्ट थ्योरी आई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है, बट ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, आज नहीं करनी है वाली, ठीक। ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने ये वाली जो शेप शूप बताने के लिए यही थ्योरी काम में आती है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ऑक्टाहेड्रल शेप है वो कैसे पता लगता है, उसके लिए आप ऐसे ही इसी थ्योरी से एक्सप्लेन करोगे और पेपर में इसका क्वेश्चन डायरेक्ट आता होता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। तो इसलिए ये सारे प्रैक्टिस कर लेनी है आपने, कल परसों छुट्टी है आपकी ट्यूशन से, तो फ्राइडे तक आपने ये सारे प्रैक्टिस करके इसमें से अगर डाउट हो गए तो वो आपने पूछ लेने हैं, जो मैंने सॉल्व किए हैं वो और जो बुक वाले सैंपल हैं वो आपने कर लेने हैं सॉल्व फ्राइडे तक। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन फ्राइडे। ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे।